सुनाई दो ये क्रैश। एक्चुअली यार मेरे पैर ना छोटे छोटे से, तो मैंने ऊपर को ले गया थोड़ा सा। यहाँ से अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं फाइनली, बहुत मतलब ड्रीम था बट ड्रीम पूरा हो गया है। और अभी घुसने वाले हैं टनल के अंदर, तो गेट तो क्रॉस कर लिया है, बाकी टनल के अंदर बहुत प्यारी आवाज़ आपको सुनाई देगी अब, ठीक है। भाई अब मुझे ये मत कहना कि आपने कुछ दिखाया नहीं, ये देखिए एक बार क्या ही व्यू है यार, माँ कसम। अभी यहाँ से शिशु पता नहीं कितना होगा, बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट रोड यही जाएगी। हेलो, चॉकलेट नहीं है, आगे दिलाऊंगा चॉकलेट, आगे चॉकलेट दिलाऊंगा, आगे आइसक्रीम खाएंगे, आ जाओ आगे आ जाओ, चलो चलो आओ, बैठोगे आओ, बैठो 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 बैठो, आ जाओ। सो हेमलो जी, वी आर बैक हो गया तुम्हारे नेदर ब्लॉग के अंदर। सो भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? ऊपर तो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। अभी मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं सब। मैंने अभी नाश्ता वास्ता किया है भाई, उधर देख सकते हो कम से कम 10 पराठे तो उसने खाए, और उसका तो पेट तुम देख ही सकते हो भाई, कोई 15 से पहले तो बात ही नहीं बनती। खैर कोई बात नहीं भाई, झूठ बोला हूँ, सबने एक एक पराठा खा लिया है ना भाई, चाय वाय पी लिए, तुम्हें बताइए भाई पहाड़ों में पराठा चाय मैगी ये चीज़ें चलती है। एंड गाइज रात डिनर करने के बाद भी 11 बजे मैगी बनाई नहीं, मतलब बनवा के खा रहे थे। तो भाई लेवल का भी व्यू चेक करो एक बार भाई, अपनी जहाँ पे हमने होटल में रूम लिया है ना, लास्ट ईयर भी एक्चुअली हम आए थे मनाली तो यहीं पे लिया था, बट इस बार भी हमने मैंने सोचा यार इसी होटल में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ की सर्विस वगैरह एंड रूम्स वगैरह बहुत प्यारा है, आप देख ही सकते हो भाई। और एक बेड उधर है जहाँ पे मैं लेटा हुआ था, एंड 3 बंदे यहाँ पे है, तो 4 बंदे टोटल, एंड सिर्फ 2000 रुपये में हमारा रूम था फुल नाइट के लिए। तो भाई समझ ही सकते हो, तब की अभी सीजन टाइम चल रहा है, तो सीजन टाइम में ये कि वन या टू पीपल को कम से कम 4 से 5 हज़ार में मिलता है, बट यहाँ पे मतलब अच्छा प्राइस है यहाँ पे रूम्स वगैरह का, तो हमें मिल गया था। खैर कोई बात नहीं, अभी भाई रेडी शेडी हो गए सब, अभी निकलने शिशु के लिए, और मेरी बाइक का भाई देखेंगे जैसे भी सीन होगा, अभी कुछ माइंड में आ नहीं रहा है। पहले ऊपर चलते हैं, टायर की हालत देखते हैं, टायर की हालत कैसी है, तार कितने बाहर दिख रहे हैं, एंड कितना चल सकते हैं, एक दो बंदों से पता करते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे अंकल भी रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ अंकल के यहाँ पे बाइक लगा दूँ, सामान वगैरह अपना यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि रात को तो कोई 10 बजे तक मेरा टायर आएगा भाई, बाकी कन्फर्म हो चुका है आज रात 10 बजे टायर आ जाएगा। तो सुबह लग के लगाने के बाद हम फिर निकल जाएंगे चंडीगढ़ वापस। तो मुझे लगता है आज भाई ड्यूक पे ही सारे ब्लॉग्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी टैनर जा नहीं पाएगी, बट मेरा ड्रीम था गाइस मैं अपने टैनर को शिशु लेके जाऊँ, बस क्या बोलूँ यार, ड्रीम मेरा रह गया ऐसे ही। बाकी अगर आज सुबह मेरे को टायर मिल जाता तो मैं पक्का बिल्कुल जाता, या फिर आज दोपहर तक भी आ जाता ना तो शाम तक भी चला जाता। अब ऐसा है सीन ये है कि यार अगर हम आज मनाली में भी घूमें और कल शिशु जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे परसों तक, कोई या ये मानो फ्राइडे या सैटरडे तक हम घर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है यार, क्योंकि हमें ना थर्सडे को घर पहुँचना है। और हमारा एक प्लान और है गाइज, मैं आपको एक ब्लॉग पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है आप नेक्स्ट ब्लॉग वही है। हमारा प्लान है कि हम सिद्धू मूसेवाला के यहाँ पे जाएं, जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला का घर है मानसा सिद्धू पिंड, तो देख लेंगे भाई, सब भाई लोग रेडी हैं वहाँ के लिए, ठीक है। सब सिद्धू के फैन है सारे, ये तो सिद्धू ही लगता है भाई, सिद्धू का छोटा सा भाई। तो खैर अभी देखते हैं ना, हमारी बाइक्स वगैरह लगी है, बाइक्स वगैरह गालियाँ दे रही होगी, मैं बहन की यहाँ आए भी नहीं, ऊपर लेट गए भाई जाके, तो अभी बाइकों की हालत वगैरह देखते हैं गाइज, आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, चलते हैं फटाफट से, मिलता आपको थोड़ी सी देर में। सो है गाइज अभी भाई रूम से निकल के आ गए थे, जिस होटल में हम रुके थे इसका नाम है टुलिप फ्लोइंग रिवर व्यू। तो गाइज तब भी आप आओ मनाली में भाई, आपको प्राइस के साथ ना मतलब सर्विस वगैरह एंड रूम्स वगैरह बहुत ही प्यारे मिलेंगे, तो ज़रूर आना विजिट करना। एंड हियर इज अ मैनेजर हैं भैया यहाँ पे हमारे, कैसे हो भैया, कैसे हो? तो गाइज मैंने आपको नाम वगैरह बता दिया, बाकी भैया मिलेंगे यहाँ पे, नेचर सबका बहुत अच्छा है, वो दोनों भैया भी हैं यहीं पे, और तब भी आप आएँ कोई दिक्कत नहीं, सर्विस वगैरह बहुत अच्छी है। एंड दूसरा गाइज हमने ठान लिए भाई, हम अपनी ZX NR को लेके जाएंगे, भले ही इसके तार दिखे हैं कुछ, ट्रक व्रक वालों से भी बात कर लिए हैं, मगर अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर उधर से हमें बाइक को लोड करके लाना पड़ेगा, बट कोई इशू नहीं है, देख लेंगे, क्योंकि भाई इतनी दूर आया हूँ और फिर बाइक लेके ना जाऊँ यार, मन नहीं लग रहा, मतलब बिना बाइक के ना जान है ही नहीं शरीर में, तो वही चीज़ है भाई, इसके बिना सांसें नहीं चलती। बाकी अभी इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं, गंदी भी बहुत हो रही है, तो कुछ देखते हैं, कपड़ा वपड़ा भैया के पास पड़ा हो तो एक बार कपड़े थोड़ा साफ़ कर लेंगे। एंड ये जाने वाली है भाई शिशु, और होप करते हैं भैया बर्फ़ वगैरह होगी ऊपर, मिलेगी पक्का मिलेगी। तो गाइस बस ये है कि स्किट ना हो, क्योंकि टायर ना बहुत ज़्यादा ये मान लो लो क्वालिटी है, अभी 20% या 10% बचा है मुश्किल से, बट इस पर मैं लेके जाऊंगा। बाकी भैया ने बता दिया है भाई किनको कॉल वगैरह करना है अगर कुछ इशू होता है, तो बाकी हमारा जो टायर है वो 10 बजे तक आ जाएगा कन्फर्म है, एक बार बस वाले को कॉल कर लेते हैं। एंड अभी भाई लेने गया है हेलमेट वगैरह, तो फटाफट से यार यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा मोटो क्लब।
सुबह तो ये क्रैश एक्चुअली यार मेरे पैर ना छोटे छोटे से, तो मैंने ऊपर को ले गया थोड़ा सा। अबे उठा लो पहले सालो, कंटेंट के चक्कर में तुम्हें बाइक गिरा दी तुमने। पकड़ना था, उठाओ आराम से। ओहो एक मिनट, स्टैंड लगाना, स्टैंड लगा दो उधर। नहीं वो लगेगी नहीं क्योंकि मैंने ये लगवाए हैं ना, ये सेफ्टी के लिए है। भाई साहब रेत वेत घुस गया पूरा, बाकी हो गया है। कौन सा, वो तो हो जाएगा सही। बस बहुत ऐसे ज्यादा मत करना, ये सेफ्टी के लिए है। हाँ ये तो सेफ्टी के लिए है। ना वो मेरे से वो एक्चुअली ना इस वाले पैर की तरफ आ गई, बहुत ज्यादा था। कोई नहीं चलो चलो तो, ओए उधर से पकड़ना एक मिनट, यहाँ से ऊंचा नीचा हो रहा है। उफो चलो, अभी रेत वेत घुस गई, थोड़ा टेढ़ा भी होगा बट कोई नहीं हो जाएगा सही। हे गाइस अभी पहुंच चुके हैं अपनी ZX TRR पे परी पे, और आप एक बार व्यू चेक करिए। एंड भाई मैं रिस्क पे लेके जा रहा हूँ, फुल रिस्क पे जिसे कहते हैं शिशु, क्योंकि यार मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं सोच रहा हूँ यार अगर ख़राब होगी भी, मतलब टायर वगैरह ब्लास्ट होगा भी, स्लो स्पीड से हो जाए कहीं, मतलब ऐसी जगह ना हो जहाँ पे सर्विस वगैरह अवेलेबल ना हो। बट यार ऐसा होना नहीं चाहिए यार, बस प्लीज़ ऐसा ना हो तो मज़ा ही आ जाएगा यार। अपनी टायर को फर्स्ट टाइम शिशु लेके जाऊँगा, मेरी साइड से तो शायद ही फर्स्ट टाइम कोई लेके जा रहा है। वैसे लद्दाख वगैरह गई है भाई, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स गए हैं, बट मेरी अपनी साइड की बात करूँ मैं तो भाई मज़ा आने वाला है गाइस, एंड लेवल का ही सीन होने वाला है। बाकी खूबसूरती देखो यार तुम, खूबसूरती देखो तुम, नाली की खूबसूरती देखो, उधर मत देखो ठीक है। मुझे पता है मैंने कैमरा उधर कर दिया तो तुम उधर ही देखने लगे होंगे, बाकी व्यू चेक करो भाई एक बार। एंड अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है भाई सीरियसली यहाँ पे बाइक चलाते हुए। भाई मनाली तो मनाली है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और वो मौसम बाकी भाई सुनने में ऐसा आया कि शिशु की साइड बर्फ मिलेगी, तो अगर बर्फ मिल गई ना, स्नो मिल गई ऐसा अलग ही मज़ा आएगा। बाइक स्किट भी होगी मुझे ऐसा लग रहा है, बट जैसे भी होगा देख ही लेंगे यार। ओफो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है सीरियसली। और अभी मैंने बैग वैग तो अपना लगेज सारा रूम पे रखा है, क्योंकि हमारा रात को रुकने का इरादा है, वो इसलिए है। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम आज रात निकल जाएंगे, मतलब शाम को निकल जाते चंडीगढ़ के लिए, रात तक पहुँच जाते, बट टायर की वजह से ना गाइस हो नहीं पाएगा। तो हम सोच रहे हैं सुबह टायर डलवा के निकलेंगे। तो एक भाई तो अपने साथ है, अनस भाई द RK राइडर, भाई के चैनल का नाम है। एंड दूसरा भाई पता नहीं कहाँ रह गए। और सो फटाफट से यार पहुँचते हैं, जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज गए और हमें सुबह 10 बजे निकलना था। बहुत खतरनाक चलाया भाई। थैंक यू। हाँ इसी से जा रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल क्या है भाई? भाई को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, भाई मनाली से ही है। बाकी नेचर बहुत अच्छा लगा और साथ में राइड भी बहुत देर से कर रहे हैं। डोमिनार 400 भाई ये भी बहुत प्यारी बाइक है। एंड नाइस टू मीट यू ब्रो। हाँ फोटो खींच लो। आगे पेट्रोल पंप है, हाँ आगे पेट्रोल पंप है, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, फोटो खींच लो। सो गाइस अभी भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं, देन उसके बाद निकलते हैं, आपको आगे का प्लान बताते हैं सब। अभी भाई लोग कहाँ रह गए पीछे? तो गाइस अभी मनाली से आगे आ चुके हैं। एंड भाई मैं कह रहा हूँ रिएक्शन यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं ना, पहले तुम व्यू चेक करो यार, सामने भाई बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी भाई एक भाई बोल रहे थे कि आगे आपको जाने नहीं देंगे टनल से, तो देख ही लेंगे यार। भाई ड्रीम है सीरियसली टनल जाना, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। एंड लास्ट टाइम मनाली में आए थे तो मनाली तक ही गए थे, बाकी आगे चेकिंग वगैरह नहीं मिले। एंड एक हेलमेट हमारा रूम पे छूट गया था भाई, तो अब न्यू हेलमेट लेना पड़ा, 500 का मिला दो तीन जगह पता करके, वरना 1500 से कम भाई हेलमेट ही नहीं है यहाँ। खैर कोई बात नहीं, अभी भाई ऊपर मुझे लग रहा है कि जैसे स्नो हो रखी है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। एक्सप्लोर करने का ना अपना अलग ही मज़ा है भाई, इतना ब्यूटीफुल है मनाली, सीरियसली बताऊँ। कहते हैं ना एक जन्नत तो नहीं कह सकते, वो चीज़ बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट लेवल की चीज़ है सीरियसली। हमारे उत्तराखंड में दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और एक मनाली भाई हिमाचल में तो क्या ही बताऊँ, एक से बढ़कर एक प्लेस है मनाली। जितनी बार भी हो ना मन नहीं भरता, जैसे हमारा मसूरी है ना देहरादून वाला टैंकर, जितनी बार जाओ उतनी बार मन नहीं भरता। ऐसे हमारा मनाली है कि जितनी बार जाओ मन नहीं भरता बिल्कुल भी। और अभी अंकल जा रहे हैं पुलिस वाले, तो बिल्कुल हम आराम से चलेंगे, क्योंकि भाई उनके हाथ में है समझ गए। वो आगे कॉल करते हैं कि भाई एक बाइक आ रही है ग्रीन से कलर की, एक्चुअली रिएक्शन इसलिए भी मिल रही है। हाँ भी भाई लोगों को ये नहीं पता टेन आर का मोस्ट पॉपुलर, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर बाइक है भाई है, बट लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना सुपर बाइक होती भी नहीं है, दूसरा यहाँ पे काम करेगी भी नहीं।
और अगर यहाँ पे सुपर बाइक आ जाए ना, सीरियसली भाई लेवल का ही सीन है। और अब तुम्हारा भाई लेके आ गया, तुम टेंशन ना लो। बाकी भाई जिसको मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई 19 लाख रुपीस की है, तो भाई कोई बिलीव ही नहीं करा कि हाँ भाई ये 19 लाख रुपीस क्योंकि बाकी अभी खींच देते एक बार। ओए रोड देखो यार तुम एक बार। सो गाइस अभी कहने की जरूरत है ही नहीं यार आपको। सो ये देखो भाई इधर स्नो, मुझे लग रहा है स्नो पड़ रही है अभी, और इतना ज़्यादा ठंडा होने लगा है ना, सीरियसली मेरे ग्लव्स में हवा घुस रही है फुल। एंड भाई जैकेट, मैंने राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, इसमें भी मेरे को ठंड लग रही है। खैर इधर के ना थोड़े रोड छोटे छोटे हैं, बट मज़ा आ रहा है सीरियसली। तो पता है पहाड़ों में आवाज़ ना डबल हो, इधर मैं फर्स्ट गियर में आ रहा हूँ सिर्फ। ओफ यार क्या ब्यूटीफुल, माँ कसम आते हुए मेरे को यहाँ पे फुल फोटो शूट करना है। एक्चुअली मैं रुक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि 3 बजे के बाद शायद मेरे भाई एक बता रहे थे मेरे को पीछे कि टाटा नगर में आपको एंटर होने नहीं देंगे। तो अभी 1 बजा है भाई, 1:15 हो रही है, तो होप करता हूँ आधे पौन घंटे में पहुँच जाएंगे तो यार मज़ा ही आ जाएगा। बस होप करता हूँ यार वो एंट्री करने दे और अपना ड्रीम पूरा हो जाए, एक छोटा सा इतनी दूर आने की मेहनत वसूल हो जाए। अभी देखते हैं भाई, अभी लीन करते हैं यार। एंकर दी, इनका एंगल देखना तुम, एक बार मैं जूम कर दूंगा अगर इसमें आया होगा। सो गाइस हियर इज व्यू एंड मजा आ गया यार, लव यू हो गया थे मेरी जान। अभी थोड़ा सा और बाकी, बस थोड़ा सा और चलना है तेरे को। बाकी भाई को लग रही है कि ठंड ठंड की तो बात ही, स्नोफॉल देख सकते हो सामने पड़ी है, इधर भी बर्फ़ पड़ी हुई है और ऊपर तो भाई पूरी स्नो हो रखी है। खैर होप करता हूँ कि और ज़्यादा स्नो मिले तो मज़ा आने वाला है गाइस फुल। एंड अभी 2 भाई लोग और पीछे रह गए, और मैंने सोचा यार थोड़ा सा मेमोरी ना मेरी ज़्यादा हो रही है, मतलब फुल हो रही है, तो उसको मैं थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ। एंड ऊपर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। एंड दूसरा भाई, हमारे उत्तराखंड की मेरे को सिर्फ 2-4 गाड़ियाँ अभी तक दिखी है, उससे अलग कोई नहीं, कुछ नहीं दिखा। सो उधर देखो भाई, जुगाड़ से ब्लॉग बन रहा है वो। एक्चुअली यार इनका जो हेलमेट है उनका माउंट ख़राब हो गया, तो इन्होंने मेरे हेलमेट पर लगाया, तो उस वजह से ना पता है क्या सीन हो रहा है, ये हेलमेट मेरा मतलब आगे से, ये हीरो 9 है मेरा, हीरो 8 है, तो हीरो 8 का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसका ऐसे मुंह पर उठा के करना पड़ रहा है। सो गाइस हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं सीरियसली। सो हियर इज गाइस, जिस चीज का बेसब्री से था इंतजार, जिस चीज का ड्रीम था, अटल टनल रोहतांग। सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, एंड स्नो फॉल देखिए आप एक बार गाइस, बड़े ही प्यारी यहाँ पे बहुत सारे, मैं शॉट लेने वाला हूँ। पहले यहाँ पे रुक जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं एक बार। सो गाइस व्यू चेक करिए एक बार, बहुत ही प्यारे स्नोफॉल हो रखे हैं। एंड ये देखिए स्नोफॉल, और बहुत ही प्यारा व्यू है। एक्सक्यूज मी सर, आगे शिशु का रोड, शिशु तक जाने दें, खुला है। थैंक यू, ठीक है सर। सो गाइस अभी यहाँ से अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं फाइनली, बहुत मतलब ड्रीम था बट ड्रीम पूरा हो गया है, और अभी घुसने वाले हैं टनल के अंदर। तो गेट तो क्रॉस कर लिया है, बाकी टनल के अंदर बहुत प्यारी आवाज़ आपको सुनाई देगी अब, ठीक है। वो भाई साहब स्नोफॉल देखे लगी लेवल का सीन, बाकी अब देखो आप जरा। ओ हो भाई ये ड्रीम था मेरा। मजा आ गया यार, मजा आ गया सीरियसली। अभी बहन की आंख पानी कहाँ से आ गया। वहाँ कसम मेरे को पानी में बहुत आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे टायर ना बहुत ज़्यादा स्किट हो रहा है। और हियर इज़ अ टनल गाइस फाइनली। एंड गाइस हो सकता है तो अगली बार हम लद्दाख भी जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। अभी लद्दाख का एक्चुअली क्या है ना, स्नोफॉल हो रखी है, तो लद्दाख मतलब रास्ते वगैरह खुले नहीं है, तो इसलिए लद्दाख का प्लान कैंसिल हो गया था। मैंने सोचा थोड़ा शिशु तक जाके देखते हैं, बाकी बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई। बहुत टनल के अंदर इतनी ठंड लग रही है, बाहर जाके तो मुझे लग रहा है बुंड फटने वाली है सीरियसली। सो अभी शिशु खुला है भाई, शिशु तक चलते हैं फटाफट से। ओ यार बहुत ही प्यारी है भाई आवाज़, देखो तुम एक बार आवाज़ सुनो भाई, अब बैक फायर लग रहे हैं भाई। सो गाइस अब मुझे ये मत कहना कि आपने कुछ दिखाया नहीं, ये देखिए एक बार क्या ही व्यू है यार, माँ कसम। अभी यहाँ से शिशु पता नहीं कितना होगा, बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट रोड यही जाएगी। एंड भाई लेवल की स्नो फॉल हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है सीरियसली। अभी आगे भी भाई पुलिस वाले हैं मेरे को दिख रहे हैं, बहुत आराम से चलना पड़ेगा। टिकट क्या सर? अच्छा टिकट लेना पड़ेगा सर। शिशु कितना दूर है यहाँ से?
साठ किलोमीटर अच्छा फोर साठ में वो ही सो गाइस अभी यहाँ से ले लेते हैं टिकट और टिकट लेना पड़ेगा, मैं लेके आता हूँ। सो यार अभी पहले भी 100 रुपीज़ दिए टैक्स लिए वहाँ पे और यहाँ पे भी टिकट लेना पड़ेगा। कितने बाइक हैं? तीन बाइक हैं। दूसरा बोलो ना, 5258 तो यूके ना? हाँ जी यूके है सब, एक यूके 50 और 20। यूके 50 20 150 देना आपने? लो ये इसको देना जो लड़के बात नहीं होता। लड़के क्या होगा? तीन बाइक हैं। तीन बाइक हो गया, तीन बाइक 200। हाँ ग्लव्स आगे से देख लियो अगर। सो हेयर इज अ गाइस शिशु, फाइनली अभी नीचे जा रहे हैं भाई, नीचे जाके देखते रोड कैसा है। और यार मेरी जान बहुत ही प्यारी है, तू तू लेके आ गई मेरे को। खैर अब वापस भी पहुंचा देना यार, देखो इज्जत की बात है। सो गाइस अभी आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे पूरा फ़ोन से। यार कितना ब्यूटीफुल है यार लेक, देखो यार एक बार तुम कितनी प्यारी है। और अभी चलते हैं यार, क्या ही व्यू है यार सीरियसली भाई। मेरा तो इधर रहने का पूरा मन है सीरियसली बताऊँ। यहाँ मैगी मिल जाए, चाय मिल जाए, तीनों टाइम बहुत है। यही तो चाहिए पहाड़ मोड़ जी, कि आप मैगी शैगी खाएंगे, चाय वाय पियेंगे आराम से कहीं पे लगा के अपनी बाइक्स को। बाकी एक चीज़ और बता दूँगा, इस हिमाचल जैसी पुलिस मैंने कहीं की नहीं देखी जैसी हिमाचल की पुलिस है। बहुत ही अच्छे नेचर की, और सारे बंदे यंग मिलेंगे आपको, सीरियसली सारे बंदे यंग मिलेंगे। हेलो, चॉकलेट नहीं है, आगे दिलाऊंगा चॉकलेट, आगे चॉकलेट दिलाऊंगा, आगे आइसक्रीम खाएंगे। आ जाओ आगे, आ जाओ, चलो चलो आओ, बैठोगे आओ, बैठो 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 बैठो, आ जाओ बैठो बैठ, जल्दी बाइक पे बैठो। अरे बैठो, वहीं चल रहे हैं, चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे, बैठो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। कैसा लगा राइड करके, मज़ा आया? मजा आया। खुले हैं पैसे दस दस के हैं, तीन दे दो, दे दो एक एक, दस दस दे दो मुझे, दे दो लो तीन बंदे, दो मुझे तो लो दे दिया। हाँ दस उसके दे दो लो। ओफो, सो हियर इज द गाइस शिशु फाइनली, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। बाकी अभी भाई लव यू यार भाई, सोचा नहीं था ये लेके आएगी, फाइनली लेके आ गए। एंड टायर की हालत देखो गाइस तुम एक बार, पूरे तार बाहर आ गए हैं, बस आए यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक है, बाकी कहीं नहीं आए और फाइनली पहुँच गए हैं। बाकी इधर से बहुत स्लो जाएंगे, आराम से जाएंगे, बस हमें ये डर था कि हम 4 बजे पहुँचेंगे तो हमें शिशु का नहीं मिलेगा देखने को। बाकी आ गए हैं भाई और फाइनली लव यू हो गया, बस मेरी ज़िंदगी है भाई ये। एंड घर जाते सबसे पहले मेरे को इसकी सर्विस करानी है, क्योंकि सर्विस बहुत ज़रूरी है। हाँ बैठ सकते हैं, मेरा कोई इशू नहीं, ले लो पिक क्लिक कर लो। सो गाइस हियर इज़ अ व्यू, चेक करें आप एक बार, क्या ही व्यू आ रखा है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है, अभी देखते हैं अगर अंदर बाइक जाएगी तो देख ही लेंगे। बाकी हाँ बाकी हिम्मत है, बाकी फ़ोटोशूट बस चला के भी देख लो आप, मैं कह रहा हूँ चला के भी देख लो। तो हियर इज़ द गाइस, फाइनली शिशु पहुँच चुके हैं। एंड यार सीरियसली बताऊँ,
बाइक से आज मेरा पूरा मन खुश हो गया। 4 महीनों में इतना खुश नहीं हुआ जब से मेरे लिए, बट आज जितना खुश हुआ आपको बताऊं भाई, टायर के ना इतनी गंदी हालत हो चुकी है, आपने भी देखा होगा छोटी सी क्लिप में, बहुत ज़्यादा गंदी हालत। बट मेरे को उम्मीद नहीं थी एक्चुअली, रात मेरा प्लान ये बन चुका था कि हम ड्यूक से ही जाएंगे, दो दो बंदे जाएंगे प्लेन के साथ, बट मेरा यार मन था कि यार इतनी दूर मैं आई हूँ मनाली तक बाइक लेके, तो शिशु भी चल ही लेते हैं, बाकी इधर तो आ गई, यहाँ तक पहुँचा दिया है, वापस जाने का नहीं पता कैसे हुआ, आई डोंट नो, आपने टायर पे जाएगी या फिर ट्रक में जाएगी, बट जैसे भी है लव यू हो गया यार बाइक को। बाकी हियर इज़ अ प्लेस गाइस, हियर इज़ अ व्यू, आप एक बार व्यू चेक करिए, क्या ही व्यू है यार, वहाँ कसम मज़ा आ गया भाई, दिल लग गया यहाँ पे। एंड इधर भाई लेक चल रही है पूरी, ठंडी ठंडी हवाएं, बाकी उतनी भी ठंड नहीं है नॉर्मली, जैसे हम बाइक वगैरह पे चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ कोल्ड है, बट ये कि आप जैकेट वैकेट नॉर्मल डाल गया, उतनी ठंड नहीं है, और इधर स्नोफॉल हुई है पूरी, तो गाइस नीचे बाइक वगैरह नहीं जा सकती, बाकी आगे तक जा सकते, तो रील्स वगैरह भी बहुत सारी अभी बनानी है हमें, जैसे भी होगा देख ही लेंगे। एंड उधर हमारी बाइकों पर चल रहे हैं फोटो शूट भाई, आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ मैं, ये देखिए भाई, और मेरा मन है कि मैं थंबनेल लेने का ही लगा दूँ, देख ले इनके सरप्राइज दे देंगे, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दिया इनके फोन में, और अभी मैगी शैगी का प्लान किया है, और ये देख सकते हो भाई एडवेंचर चल रहा है इधर, अगर आपको दिख रहा हो, वो देखो बंदा आ रहा है, एक बहुत 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 दूर है वहाँ से, बाकी देखते हैं अगर एडवेंचर का हुआ तो। यार एक प्लान और था मेरा Insta360 का, बट अभी भाई काफ़ी महंगा तो टायर ही डलवाना पड़ेगा मुझे इसमें, प्लस इसमें फ्यूल वगैरह भी काफ़ी, मेरा फ्यूल 5 से 6 हज़ार रुपये का फ्यूल लग जाएगा, एंड दूसरा फिर खाने पीने का भी, रूम्स वगैरह का भी, तो काफ़ी खर्चा आ जाएगा, तो होप करता हूँ यहाँ की वीडियो एक दो चल जाए तो अपने Insta360 का काम हो जाएगा। सो सभी भाई लोग आ गए, एंड भाई ये बंदा ऐसा है ना, ये बंदा ऐसा है हेलमेट छोड़ के आ गया रूम पे, ऐसी गलती भाई कभी मत करना, पिलियन आओ तो हेलमेट जरूर लेके आना, बाकी यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो एक्चुअली एक बाइक में पीछे नंबर प्लेट नहीं है, एक बाइक में आगे नंबर प्लेट नहीं है, बट यहाँ तक फाइनली आ गए हैं, तो अब यार मैगी शैगी खाते हैं यहाँ से, थोड़े सिनेमेटिक ले लेते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर। सो वी आर बैक हो गए तुम्हारा इसी व्लॉग के अंदर। यार एक्चुअली गाइज मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया आते हुए, वरना मेरा पूरा इरादा था कि मैं एक रिएक्शन व्लॉग बनाऊं, क्योंकि आप समझ ही सकते हो भाई सीजन टाइम है, इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई वहाँ पे, एंड रिएक्शन बहुत प्यारे मिल रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है ये पहाड़ों में सुपर बाइक्स वगैरह होती नहीं है, एक दो जगह पुलिस वाले ने आते हुए भी रोका, बस ये पूछ रहे थे भाई ये बाइक कौन सी इतनी आवाज़ कर रही है, एक्चुअली अटल टनल के अंदर इतनी भयंकर वाली आवाज़ आ रही थी, बहुत 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 ज़्यादा लाउड, पुलिस वाले ऐसे देख रहे भाई दूर से ही पता नहीं क्या आ रहा है, बाकी उन्होंने रोका तो पूछा भाई ये इतनी आवाज़ क्यों कर रही है, मैंने बताया सर फोर सिलेंडर बाइक है, सुपर बाइक है, तो सबने पिक्स वगैरह भी ली, एंड अटल टनल पे हम रुके भी थे, वहाँ की मैंने पिक्स वगैरह ली, इंस्टाग्राम पे स्टोरी मैंने डाल दूंगा, अभी डाली नहीं है तो डाल दूंगा, बाकी ये थोड़ा सा व्लॉग थोड़े से लेट आएंगे, एक्चुअली यार यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है मनाली के अंदर, मतलब जहाँ पे हम है वैसे तो वाईफाई है, बट वाईफाई प्रॉपर चल नहीं रहा है, प्रॉपर वर्क कर नहीं रहा, एंड गाइस इधर से जाते हुए तो बिल्कुल कुछ भी ठंड नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत थी, बट उधर से आते हुए भाई इतना ज़्यादा लेवल का मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा बादली बादल आ गए, एंड गाइस इतनी ठंडी ठंडी हवाएं भाई, हम वहाँ से 3:30-4 बजे निकल गए थे और मोस्टली अभी 6 बज चुके थे, अभी रूम पे आ गए हैं, मैंने सोचा यार थोड़ा सा आपके लिए व्लॉग शूट कर लूँ एंड एंड भी कर दूँ, और दूसरा यार गाइज मेरा जो GoPro था उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बैटरी फिर मैंने कहीं से चार्जर अरेंज किया वहाँ पे, चार्जर पे मैंने लगाया, देन ठंड की वजह से कोल्ड की वजह से वहाँ पे GoPro वगैरह ऑन हो नहीं पाया, होता था ऑन बट ऑफ हो जाता था। सो अभी यार वैसे लंच वगैरह भी कर लिया था अभी शाम के टाइम ही, तो अब थोड़ा ये है कि अगर रात में भूख भूख लगी तो यहीं से लेके खा लेंगे होटल में, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट प्लस होटल दोनों चीज़ें हैं, एंड अच्छा होटल है, मैंने आपको मॉर्निंग पूरा एड्रेस वगैरह बता दिया था, और दूसरा बहुत ज़्यादा थक गया, एंड तीसरा गाइस मेरी बाइक लव ही हो गया यार बाइक को, सीरियसली मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई वो टायर पे बाइक वहाँ तक चली जाएगी, मुझे ये था कि मैं ट्रक वाले का नंबर लेके गया था जो लोडिंग वगैरह का सिस्टम करते हैं, तो खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऊपर वाले ने जो किया अच्छा किया, एंड भाई प्रॉपर हम घर आ चुके हैं, मतलब घर नहीं होटल में आ चुके हैं, एक तरह से घर ही मानो भाई, घर में ही ऐसा है कि घर में ही लेटे हुए हैं, तो वैसे बहुत अच्छे से बाइक गई एंड बहुत अच्छे से बाइक आई, बाकी अब प्रॉपर उसके तार दिखने लगे हैं, तो हम ऐसे हमारी 10 बजे तक हमारा जो टायर है वो भी आ जाएगा, एंड कल आपको बहुत अच्छा एक और व्लॉग मिलने वाला है जो कि बर्नआउट वगैरह मार के देखें यहाँ पे, पता नहीं टायर वायर चेंज हो भी पाएगा नहीं, जैसे भी होगा आपको पता चले जाएगा, और बहुत सारे व्लॉग आपके लिए गाइस अब तो आते ही रहेंगे, तो थैंक यू सो मच इतना सारा आप प्यार देते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा मेरा गला बैठ रहा है यार, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं आपको एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू सबको।